अज घटना जो तुहानू दसण जा रहे हाँ उसनू सुन के तुहाडे लू कंडे खड़े हो जाणगे। इंग्लैंड साउथ हाल गुरद्वारा साहब के बाहर कुछ बेकरे गोरे तरपाला लगा के बैठे हुए सन। जसवंत सिंह इंग्लैंड आया अजे 4 महीने ही होए सी ते साउथ हाल गुरद्वारा साहिब पहली बार गया सी। जसवंत सिंह ने दस्या मैं गुरद्वारा साहब जाण वास्ते चल के जा रहा सी ता रस्ते दे विच मैं कई बेकरे लोग भीख मंगदे होए वेखे। बाहर विदेश दे विच मैं भीख मंगदे होए लोग देख के हैरान हो गया। गुरद्वारा साहब दर्शन किए ते मैं बाहर आया अचानक ही मेरी नज़र एक पंजाबी दे उत्ते पई जो कि उन्हां बेकरे गोरियां दे विच बैठ के सड़क ते बैठा भीख मंग रहा सी। उसके गल दे विच पग सी ते नशे दे नाल डिग्या पिया सी। मैं हैरान सी ये सब कुछ की हो रहा है। अगले ही दिन मैं कुछ कपड़े ते खाण दीआं चीज़ां उस कोल लै के गया। सोचा कि अपना पंजाबी है शायद उसनू लोड़ होवेगी ते अज वह बंदा बिना नशे तो बिल्कुल शांत बैठा सी ते मैं उस कोल गया ते बहुत ही तेज़ ते अजीब बदबू उस दे कोलों आ रही सी ते मैं उसनू कुछ समान दिता ते पिछे वल मुड़ आया तो उसने मेरे अगे हाथ जोड़े तो मैं घर वापस आ गया। तो इंज मैं 5-6 दिन लगातार किया तो एक दिन गुरु घर के ग्रंथी सिंह ने मैनू इंज करता देख लिया। ग्रंथी सिंह ने मैनू कहा कि नौजवाना तेनू पता है कि यह सरदार कौन है। तो मैं ग्रंथी सिंह नू कहा कि मेरे कोलों तो इस कोल खड़ भी नहीं हुंदा, इसका शरीर बहुत बदबू मार रहा है। ग्रंथी सिंह मुस्कुरा के कहन लगा कि इसका शरीर नहीं बदबू मार रहा, इसके कर्म बदबू मार रहे ने। उन्हें दसिया कि थानेदार बसंत सिंह है जो कि किसी समय दे विच एक वधिया पुलिस अधिकारी मन्या गया सी, पर इसके कर्म ते सुभा कुछ भी सरदारा जां सिक्खी दे नाल मेल नहीं करते। अपने समय दे विच उसने कोई भी माड़ा काम नहीं छड्डिया, लोगों नू मजबूर करके उन्हां दे कोलों पैसे लैने ते जद किसी नाल कुटमार करनी तां उन्हां नू जानवरां दी तरह इसने कुटना। इस तरह लोगों नू लुट के इसने काफ़ी जमीन बनाई ते लुधियाणे दे विच अपनियां 3 कोठियां भी पाईआं ते करोड़ां दा मालक बन के बैठ गया। तो इसका एक एक लड़का सी समा देखदे इसने अपने लड़के नू इंग्लैंड भेज दिता। फिर वो समा आया जब इसका पापा का कड़ा पर गया। हर रोज़ की तरह बसंत सिंह थाने आया तो पता लग गया कि किसी गरीब की धी के नाल कुछ मुंडिया ने गलत किया है। हुण गरीब की कौन सुनेगा, उधरों थानेदार भी बसंत सिंह जिसने अज तक कोई चंगा काम किया ही नहीं। बसंत सिंह ने मुंडिया के नाल रल के 10 लाख रुपए दे विच गल मुकाई तो सारा केस उल्टा पा दिता। गरीब नूं इंसाफ तां की दवाउणा सी, सगों गरीब के बाप ते भरा नूं नंगा करके उसने 3 दिनां दे तक थाने दे विच कुटिया ते केस बंद करन दे लिए मजबूर किया। उस गरीब परिवार ने डर के अपना केस ही वापस ले लिया। हुण भावें अदालतां दे केस तां खत्म हो गए होण पर परमात्मा की कचहरी विचों कौन बच सकता है। बसंत सिंह की मार दे नाल कुड़ी दा भरा पूरे 5 महीनों के बाद दम तोड़ गया। मुंडे के पिछे ही प्यो ते कुड़ी ने जहरीली चीज़ खा के अपना आप मुका लिया ते सारा परिवार ही तबाह हो गया। फिर तो उन्हां दा केस बसंत सिंह दे कोल आया ते हर वार की तरह बसंत सिंह ने इस केस के उत्ते भी मिट्टी पा दी क्योंकि इसका मुख दोषी तो आप खुद बसंत सिंह सी। समा बीतता गया तो बसंत सिंह की घरवाली बीमार हुई तो दसने ने कि बसंत सिंह का अपनी घरवाली के नाल बहु लगाव सी। उसकी घरवाली नूं अजिही बीमारी लगी जो किसी टैस्ट या रिपोर्ट के विच नहीं सी आई। हर डॉक्टर हर होस्पिटल दे विच इलाज करवाया। उसकी पत्नी की हाल दिन पर दिन बिगड़ती रही तो लड़का तो इंग्लैंड सी। घरवाली की सेवा करने वास्ते बसंत सिंह ने भी अपनी नौकरी छड़ दी। पैसा लगता रहा पर उसकी सेहत बिगड़ती रही। इधर बसंत सिंह अपनी पत्नी नू हर रोज़ मरदा वेख के दिमागी तौर पर परेशान रहन लग्या। पूरे 8 साल बाद उसकी पत्नी तड़फ तड़फ के मरी। अपनी पत्नी के दर्द की आवाज़ उसने कन्नां दे विच गूंजती। इस तरह करते करते बसंत सिंह नू कोई दिमागी कसर हो गई। मुंडे ने बसंत सिंह नू उसकी हाल देखदिआं इंग्लैंड ही बुला लिया। उत्ते उसका इलाज करवाया। कुछ समा तो ठीक रहा पर फिर तो उसनू दिमागी दौरे पैने शुरू हो गए। बसंत सिंह हमेशा यही कहता रहिंदा कि वह कुड़ी मैनू मार देवेगी, उसने पहला मेरी पत्नी नू तड़फा तड़फा मारिया, हुण मैनू भी मार देवेगी, मेरे कोल बहुत वड्डी गलती हो गई। अजिहा पागलपन वेख के मुंडे ने अपने प्यो नू भी घरों बाहर कर दिता क्योंकि बसंत सिंह दे शरीर उत्ते थां थां ते जख्म होण लग पए सी ते जिसके कारण उसका जख्मां दे विच कीड़े भी पैण लग पए ते उसका शरीर बुरी तरह दे नाल बदबू मार रहा सी, जिस कारण मुंडे ने अपने प्यो नू घरों ही बाहर कर दिता। बसंत सिंह किसी ना किसी तरह शराब पी के सड़कां ते पिया रहिंदा ते इक्को गल आखदा रहिंदा, ओ लड़की मैनू मार देवेगी। उसने अपने सिर दे केस कतल करवा ले ते पिछले
5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਪਈ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।